हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने बोला था कि सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं 8 या 9 केसेस आपको समझाने वाला हूं, डिफरेंट डिफरेंट। वैसे तो टोटल बनते हैं 17 केसेस, लेकिन ये 8-9 केसेस अगर आपको समझ में आ गए तो रिमेनिंग 17 केस जो बाकी केसेज हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आसान सा टॉपिक करते हैं, केस 1, जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31 मार्च 20 को। ये याद रखना है बच्चों, 31 मार्च 2020 को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है हमें। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन मिली हुई 13,000। इस 13,000 सब्सक्रिप्शन में 2,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर की है। मतलब ये कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग तो यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018 वर 4,000। इसका मतलब ये कि जिस आदमी ने कहा था कि 4,000 मैं दे दूंगा नेक्स्ट ईयर, वो थोड़ा बेईमान निकला या कोरोना के चक्कर में उसकी प्रॉब्लम हो गई है। ये मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं आज की सिचुएशन, ये तो लास्ट ईयर की बात है। तो बेचारे ने बोला कि ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे ऐसे अब क्या करें, 2000 है 2000 रख लो। आउटस्टैंडिंग थे 4000 लेकिन देखे गया है 2000। ठीक है, अब आते हैं करंट ईयर की सिचुएशन। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 3000, मतलब जो आज लोगों को देना था टोटल उसमें से 3000 आउटस्टैंडिंग कर दिया है लोगों ने। लेकिन ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ये फॉर द ईयर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में फॉर द ईयर और एज ऑन, बड़े ध्यान से पढ़ना है जब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात चल रही है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात चल रही है तो फॉर द ईयर और एज ऑन बड़े ध्यान से पढ़ना है, वरना मार्क्स चले जाएंगे बच्चों। तो अब क्या करना है आपको, इसका मतलब समझिए, 3000 तो इस साल जो लोग हैं जिन्होंने उधार किया है वो है, इसके अलावा 4000 देने थे लास्ट ईयर वालों को जो देके गए हैं सिर्फ 2000। 4000 देने थे लास्ट ईयर वालों को जिन्होंने उधार किया था बट वो देके गए हैं कितना, 2000। तो 2000 फिर से उधार हो गए, जो 2000 फिर से उधार हो गए हम उसे बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब मैं खास बात बताता हूं आपको, जब हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग लिख रहे होते हैं तो हमें टोटल आउटस्टैंडिंग शो करना होता है, मतलब जो आज लोगों ने उधार किया प्लस जो लास्ट ईयर वालों ने दोबारा से स्टिल आउटस्टैंडिंग कर दिया वो मिला के टोटल जो होता है उसे हम कहते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है फॉर द ईयर। तो 3000 प्लस 2000 लास्ट ईयर की जो दोबारा से स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गई है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको लिखनी है 5000। और ये 5000 कैसे आई है, 3000 तो करंट ईयर की प्लस 2000 स्टिल। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग यानी जो पिछली बैलेंस शीट में जाएगी वो 4000 ही जाएगी। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग में ये 4000 ही जाएगी, लेकिन करंट ईयर की बैलेंस शीट में जिसे हम एट द एंड बोलते हैं 5000 शो करना है। अब बात आती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो करना है, बहुत सिंपल है। मैंने हमेशा बोला है कि 13,000 टोटल अमाउंट को लेके करा करो, तो 14,000 में 5,000 प्लस कर देंगे और 4,000 माइनस कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 13,000 में 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर देंगे और 4,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 14,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा 14,000 और बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग में जाएगा 4,000। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट केस वन का। अब हम चलते हैं केस टू की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस टू। केस टू देखने से तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तो इसमें नया क्या है बच्चों, मैंने इसीलिए ब्लू कलर से लिख दिया है। यहां पे मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 वर ₹3000। अब बच्चे सोचेंगे ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। मैंने पहले बोला है आपको कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को बड़े ध्यान से पढ़ना है, करंट ईयर यानी जो आपका करंट ईयर है 1920 उसकी आउटस्टैंडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एज ऑन लिखा है, फॉर द ईयर लिखा है, एज ऑन लिखा हुआ है, एज ऑन लिखा हुआ है मतलब अकाउंटेंट ने आगे पीछे का टोटल आउटस्टैंडिंग जितना भी होता है प्लस करके ही लिखा हुआ है। इसका मतलब जो लास्ट ईयर वालों ने 4000 देने थे सिर्फ 2000 देके गए हैं,
जो दोबारा से 2000 उधार कर दिया था वो इस 3000 के अंदर इंक्लूड है। तो मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग 2000 इस 3000 के अंदर इंक्लूडेड है, आपको अलग से ऐड नहीं करना। ये हो गया हमारा केस टू। अब बैलेंस शीट एट द एंड में हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखते हैं, तो वो हम लिखेंगे 3000 और बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग में हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं बिगिनिंग की, तो वो आएगी हमारी जैसे पिछले क्वेश्चन में 4000 थी, इस क्वेश्चन में भी सेम। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन टोटल 13000 लेके करना है आपको, जैसे मैंने सिखाया हुआ है। आप ये जो ब्रैकेट में लिखा है या स्प्लिट करके लिखा होता है आप उसे मत देखो, टोटल लेके देखो, टोटल करके लिखो। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग इसमें हम माइनस करेंगे वो 4000 थी, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्योंकि एज ऑन लिखी हुई है इसलिए हम इसमें अलग से आउटस्टैंडिंग प्लस नहीं करेंगे, वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो आंसर आ गया 12000। तो ये हो गया हमारा केस टू। मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होंगी, लेकिन अभी तो और भी केसेस हैं, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो चलिए बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट केस, केस थ्री। इस केस थ्री में एक खास बात है कि एक तो फ्यूचर की भी दे रखी है सब्सक्रिप्शन, यहां पे 2020-21 की 3000 गिवन है, एक बात। दूसरी चीज, पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 आर रुपीज 1000, मतलब ये कि लास्ट ईयर वालों ने 1000 रुपए फिर से उधार कर दिए हैं। पिछले साल की पूरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी नहीं पता, सिर्फ ये बताया है कि एक आदमी 2000 रुपए देके गया है, उसे देने के बाद भी 1000 रुपए उधार कर गया है, इसका मतलब कि उसको देने थे 3000 रुपए, यानी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 3000। फिर से बता देता हूं कैसे आया 3000। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग में से पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा सा फिर से उधार कर दिया है। 2000 रुपए देने के बाद अगर 1000 रुपए फिर से उधार कर दिया है तो इसका मतलब टोटल कितने देने थे उसको 3000। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गया 3000। और इस क्वेश्चन में नई कुछ बात नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं सीधे। तो सब्सक्रिप्शन 16000 लेके करें, मैं हमेशा बोलता हूं टोटल 16000 लेके स्टार्ट करें, मतलब जितना टोटल होता है उसको लेके करें, और 3000 को पहले लेस कर दो, ये फ्यूचर का है। आप बोलेंगे कि सीधे सर 11 and 2, 13 से भी शुरू कर सकते थे इसको, लेकिन आप टोटल लेके ही करो क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ये स्प्लिट करके इस तरीके से नहीं दे रखा होता है, तब भी आप फंसते हैं, तो आप टोटल लेके करो। 16000 में से 3000 पहले हम माइनस करेंगे received in advance एंड, मतलब एंड की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 3000 received in advance liability साइड में जाएगा। इसके बाद outstanding in the beginning यानी beginning की बैलेंस शीट में 3000, ये 3000 जो मैंने आपको बताया था 2000 देने के बाद भी 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब टोटल 3000 देने थे। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड में तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि एज ऑन आपको 5000 सीधा दे रखा है, तो आंसर आ गया 15000। तो बैलेंस शीट्स में जो अमाउंट जाने हैं वो ये तीन अमाउंट जाने हैं, एंड की बैलेंस शीट में ये वाला 5000 असेट्स में, और ये वाला लायबिलिटीज में, और बिगिनिंग की बैलेंस शीट में 3000 असेट्स में जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो ये हो गए हमारे तीन केसेस। अब हम चलते हैं फोर्थ केस की तरफ। रुको, बच्चों को लग रहा होगा कुछ गलत बता दिया इसलिए सर रोक रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं रोक रहा मैं। केस थ्री हम कर चुके हैं, अब हम केस फोर्थ करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखे जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करो, ये तीन केस पहले ढंग से समझ लो, रिवाइज कर लो, पॉज करके कर लो या कल कर लेना। इस वीडियो को लगातार देखने की गलती कोई मत करना वरना ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। अगर ये तीन केस पहले बुक में ढूंढ लो, इन तीन केसेस को देख लो, इनका सोल्यूशन देख लो। मैंने वैसे सारे वीडियोज बना रखे जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है उनके, मैंने सारे वीडियोज बना रखे, उनमें भी आप इनको ढूंढ
सकते हैं। पहले ये तीन केस दिमाग में बैठ जाए तभी फोर्थ केस की तरफ आगे बढ़ना। जो लोग ये तीन केस ढंग से समझ चुके हैं उनके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, बस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या करें, ये सॉल्यूशन में मैंने एडवांस एट द एंड माइनस कर दिया है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर दिया है क्योंकि नीचे गिवन है एज ऑन। लेकिन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना लेंगे बच्चों, देखो जरा यहां से ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कहीं इंफॉर्मेशन में इधर एडजस्टमेंट में नहीं है। अब आप सोचिए कि एक आदमी 2000 रुपए दे के गया है आज ये बोल के कि सर ये पिछले साल वाले हैं, पिछले साल वाले 2000 रुपए वो दे के गया है, तो ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब यही 2000 रुपए उसने उधार किए होंगे। अगर इससे ज्यादा किए होंगे तो इंफॉर्मेशन में होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि सिर्फ 2000 ही उधार थे जो वो आज दे के गया है, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 2000 हो जाएगा। तो अब तो ये हो गए हमारे फोर केसेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ केस की तरफ। तो चलिए बच्चों करते हैं आप मेंबर्स वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में मेंबर्स गिवन होते हैं और उनकी फीस गिवन होती है। मेंबर्स वाले क्वेश्चन में एक खास बात यह है कि जितने मेंबर्स हैं और फीस गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आना चाहिए, इस क्वेश्चन में 150 मेंबर्स हैं और 100 रुपीज फीस है, तो 150 × 100 करेंगे 15,000, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फाइनल अमाउंट जो है वो 15,000 आना ही चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की 3000 गिवन है और 2000 उसमें से मिल भी गए हैं, लेकिन अगर लास्ट ईयर की 3000 गिवन है तो हमें इस 2000 का कुछ नहीं करना, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मिसिंग है। तो मिसिंग है तो फाइंड करने की ट्रिक भी होती है, बट आप उसको दिमाग बिल्कुल मत लगाओ क्योंकि अगर आप उसे निकालने बैठोगे और कहीं गलती हो गई तो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो सब्सक्रिप्शन 13,000 गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में है ही नहीं, 13,000 गिवन है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3000 गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें फाइंड करनी है और फाइनल आंसर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें फाइंड करनी है जो हमें प्लस करनी होती है, और फाइनल आंसर 15,000 मेंबर्स को फीस से मल्टीप्लाई करके हर बच्चे को पता है। तो अब आप खुद बता दीजिए, एक आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होना है जिसके बाद हमारा फाइनल आंसर 15 होना चाहिए, तो 10 में हम क्या ऐड करें कि 15 हो जाएगा 5000, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5000 आ गई है बच्चों। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, मेंबर्स वाले क्वेश्चन में ही एप्लीकेबल है, और क्वेश्चंस में ये मत लगाना। तो ये हो गया हमारा केस 5, अब हम चलते हैं 6th केस की तरफ। तो चलिए बच्चों बिल्कुल इसी के जैसा केस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 50,000 है, कोई इंक्लूडिंग नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर की कितनी है फ्यूचर की कितनी है, 400 मेंबर्स हैं और 100 रुपीज फीस है यानी 40,000 बनता है करंट ईयर का। फ्यू मेंबर्स हैव पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, फ्यूचर के लिए कुछ लोगों ने अभी से सब्सक्रिप्शन दे दी, कितनी दे दी है वो नहीं पता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन $50,000, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड हमें माइनस करनी होती है और वो कितनी है पता नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर 40,000 आना चाहिए क्योंकि 400 मेंबर्स है और 100 रुपीज फीस है, तो 40,000 आना चाहिए। अब आप बता दीजिए कि कितना आना चाहिए, 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, 10,000 जो लायबिलिटी साइड में आएगा एंड की बैलेंस शीट में। तो ये हो गया हमारा केस 6। बस एक केस और करते हैं, इसके बाद सेकेंड वीडियो में रिमेनिंग केसेस बता दूंगा मैं, और ये जो 7 केसेस हैं इनको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है बच्चों। बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट केस है, केस 7, इसमें भी कुछ टेक्निकलिटी है।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19, यानी लास्ट ईयर 10,000 एडवांस मिला था। लास्ट ईयर अगर एडवांस मिला था वो करंट ईयर का था, तो इसलिए हम उसे प्लस करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग वो था 10,000, उसे हमें प्लस करना चाहिए। इसके बाद 3,000 हमें फ्यूचर के लिए मिला, उसे हम लेस करेंगे। और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं, तो 1,000 जो हमें लास्ट ईयर के मिले हैं वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, इसलिए वो आज देखे गया है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग यानी लास्ट ईयर 1,000, तो ये 57,000 हमारा आंसर हो गया है। एंड की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग जो है उसके जाने के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंड की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गया 1,000, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड हो गया 3,000, और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया 10,000। तो 10,000 बिगिनिंग के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग बिगिनिंग की बैलेंस शीट में 1,000 जाएगा एसेट साइड में, और रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 3,000 एंड की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये है बच्चों सेवंथ केस। इसके बाद भी बहुत सारे केसेस हैं, बट आप पहले इनको रिवाइज कर लीजिए। अगर इसके बाद प्रॉब्लम आती है तो मैं सेकेंड वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो।